अब फ्रेंड डिफ्रेंसिबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सो दैट फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स इज डिफ्रेंसिबल फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफ्रेंसिबल है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट सी बी एनी रियल नंबर, हमने सी को कोई एक रियल आर्बिट्री रियल नंबर मान लिया कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल लाइन पे कोई भी नंबर हो सकता है सी। देन हमारे पास पहले हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एल एफ डैश सी प्लस जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं आर एफ डैश सी भी लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो एफ डैश सी प्लस जीरो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, जहाँ पे एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो नंबर है कोई। लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर सी प्लस एच माइनस ई की पावर सी अपॉन एच, तो यहाँ से हमने क्या किया ई की पावर सी कॉमन ले लिया फ्रेंड्स, तो ई की पावर सी कॉमन लिया, तो क्योंकि ई की पावर सी प्लस एच को हम क्या लिख सकते थे, ई की पावर सी प्लस एच को हम सिंपली ई की पावर सी डॉट ई की पावर एच लिख सकते हैं, तो वहाँ से हमने ई की पावर सी को कॉमन ले लिया, तो ई की पावर माइनस एच सॉरी ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अब फ्रेंड्स ये हमें लिमिट देखनी है, इसको हम डायरेक्टली अगर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वन माइनस वन अपॉन जीरो, यानी कि जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, ई की पावर एच को हमने खोल दिया, ओपन किया इसको, तो ई की पावर एच को हमने इसका ओपन क्या, तो ई की पावर सी तो बाहर है, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एच को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एच अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा माइनस ये वन अपॉन, और ये जो एच है हमारे पास ये रहा, तो यहाँ से हमारे पास ई की पावर एच ई की पावर सी लिमिट एच टेंस टू जीरो वन से ये वन कट गया, तो ये हमारे पास आ गया एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस, ये चलता गया अपॉन एच यहाँ हमारे पास है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ इसमें से एच को कॉमन ले लिया, तो एच को कॉमन लेने पर हमारे पास ये अगर ई की पावर सी है तो बाहर है ही, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, यानी जो एच जो बाहर था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, वन प्लस एच अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलता हुआ एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एच एन फैक्टोरियल प्लस, ये चलता हुआ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू वन है हमारे पास, बाकी एच की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और एच एच से एच कट गया, तो ये हमारे पास ओनली वन बच गया, तो ई की पावर सी डॉट वन बराबर ई की पावर सी, तो यहाँ से हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब फ्रेंड्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे चेक करेंगे, इसको हम एल एफ डैश सी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम चेक करेंगे एफ डैश सी माइनस जीरो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो यहाँ से हम सी माइनस को हम इसको सी माइनस को सिंपली सी माइनस एच भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एच जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है एक नंबर, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक्स अगर सी माइनस एच पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, तो यहाँ से हमने फंक्शन एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइन, चूँकि एक्स की जगह सी माइनस एच पुट करना है तो ई की पावर सी माइनस एच माइनस ई की पावर सी अपॉन माइनस एच, तो ये हो गया हमारे पास ई की पावर सी कॉमन है हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। अब फ्रेंड्स हमने ई की पावर माइनस एच को ओपन किया तो ई की पावर सी तो बाहर ही था, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन एच सॉरी माइनस वन की पावर एन डॉट एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, और चलते हुए जो लास्ट में हमारे पास माइनस था वो माइनस, तो वन से वन कट गया और ये हमारे पास माइनस एच नीचे है ही, तो ई की पावर सी, और यहाँ से जो बचा हमारे पास वन से वन कटने के बाद एच को हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी हमने माइनस एच को कॉमन ले लिया, तो माइनस एच को कॉमन लिया तो हमारे पास ये तो वन हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस साइन आ जाएगा और एच कॉमन आ जाएगा, तो एच अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलते हुए माइनस वन की पावर एन माइनस वन एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस, ये चलता हुआ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास वन ये इससे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, तो ई की पावर सी डॉट वन बराबर ई की पावर सी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट है वो है हमारे पास एफ सी, और जो राइट हैंड लिमिट थी वो भी हमारे पास ई की पावर सी थी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास ई की पावर सी और ई की पावर सी, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों हमारे पास इक्वल हैं।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो हमारे पास एफ डैश सी बराबर क्या होगा, e की पावर सी, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट माना था सी पे, हमारे पास उसका डेरिवेटिव होगा e की पावर सी। बट सी इज एन आर्बिट्री रियल नंबर है, सी जो है वो एक आर्बिट्री रियल नंबर को शो कर रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर e की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। थैंक यू फ्रेंड्स।